राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को, आपको भी अपनी जो लाखी गौ माता है उसकी एक ट्रायल वीडियो है, बस नॉर्मल एक ट्रायल के तौर पे। जैसे हम भी अब दोनों टाइम मिल्किंग अपने अपने बिहाफ के ऊपर मिल्किंग करके देखते हैं, दोनों टाइम दूध तोल के तीन थनों का, एक थन बछड़ा पी लेता है और बाकी तीन थनों का दूध निकालते हैं भाई। तो वैसे एक नॉर्मल ट्रायल के तौर पर भी कोशिश जारी है। बीच में तो शादी में बिजी थे, अब भाई मैं 3-4 दिन का मेरा गुजरात का ट्रिप था तो अच्छी केयर नहीं हो पाई गाय गौ माता की। कल ही गुजरात से वापस आया था तो अब थोड़ी सी केयर करने लगे हैं। अब गौ माता 20-21 पे चली हुई है, उम्मीद है 23+ कर दें भाई। अब मेहनत करके देखेंगे, अभी तक नॉर्मल छोड़ रखी है, 6 किलो दाने के ऊपर है। और दूसरी सबसे मेन बात गौ माता की मैं आपको बता दूं भाई, यकीन मेरे को भी नहीं होता खुद इस बात का, और आप लोग तो करोगे ही नहीं यकीन, जब मेरे को ही नहीं यकीन होता इतने दूध के अंदर। आज के दिन दावा बिल्कुल छाती ठोक के दावा और गारंटी, कोई भाई बहस करता हो तो भी आज के दिन दो इतने 20-21 किलो दूध के अंदर हमारी गौ माता का पूरा 2 किलो मक्खन गौ माता के नीचे से कोई भी 10-20 भाई आके अपना दूध ले जाके और दूध अपना मक्खन निकाल के देख सकते हो। एक छोटी ट्रायल के तौर पे एक मिनट की वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो समझ लो आप इसको। अभी हफ्ता पूरा जब महीने की हो जाएगी ना उस टाइम मिल्किंग करेंगे भी, क्योंकि महीने के बाद ही पूरा आइडिया दूध का ले सकते हैं हम, परिपक्वता उसी टाइम आती है। तो अब केयर भी होने लगी है थोड़ी थोड़ी अच्छी तरह से भी, कुछ कैल्शियम वगैरह है, कुछ एच वगैरह है, वो अलग से डाइट अब देखेंगे। अब तक 6 किलो डाइट के ऊपर ये दूध हमने गौ माता का रखा हुआ है, और 2 किलो मक्खन भाई नीचे अगर किसी भैंस के नीचे भी हो तो आज के दिन दावा है भाई। कोई भाई 10-20 जने जो भी अपने इकट्ठे हो गए नर अपने घर पर दूध ले जाएगा नर घर दूध काट के बिलोगे देख सकें भाई। अभी आपको थोड़ा सा एक नॉर्मली समझो आप, बिल्कुल एक ट्रायल के तौर पे हम भी अपना दोनों टाइम दूध तोलते हैं तीन थनों का, 8, 1 9 कदे 8 कदे 9 तीन थनों का दूध ये होता है, एक थन जिसमें बछड़ा पी लेता है। और अगाड़ी पछाड़ी लगभग अगाड़ी का 1 किलो 1.5 किलो का ज़्यादा है, पछाड़ी में 1.5 किलो कम है। वैसे मुन्ना एक बार लिया कांडा और आनन, तो भाई आज 16 तारीख होगी है तो आज 21-22 दिन की आज गौ माता ब्याई हुई हो चुकी है। बस रहे बस कोई बात खोल लिया, थोड़े ले चल बस उड़ान घुमा ले इसका मुँह, चार्जर हटा दे कांडा का। तो भाई रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं बनते भाई, रिकॉर्ड में जोर बहुत लगा है, एक एक पॉइंट गौ माता का देख रहे हैं भाई, टेम्परेचर भी देखा जाता है दोनों टाइम क्योंकि सर्दी आ गई है इधर। ये भाई 10 किलो 180 ग्राम दूध बाल्टी समेत है, 1 किलो 500 कुछ ग्राम की ये बाल्टी है, मान लो भाई 9 किलो के करीब दूध इसका तीन थनों का है गौ माता में, 21 भी उसका इसमें कुछ प्लस भी उसका है। ये दूध हमारी श्यामा गौ माता का है, और एक और ये गौ माता, ये कालू बगाना भाई हैं बगाना गांव से, अभी थोड़ी बादी उतारी हुई है गौ माता ने। ये गौ माता भी भाई 21 किलो दूध, इसका भी 4-5 टाइम की मिल्किंग उन्होंने फेसबुक पे की थी कालू भाई ने पिछले साल, और ये रुद्रनाथ से डायरेक्ट क्रॉस होके गई थी हटी मुन्ना एक बार, बछड़न खड़ा करे बस सीधा खड़ा कर, ये आप माँ को हम्प नहीं है बिल्कुल छोटा सा हम्प, और बछड़े का आप हम्प देख सकते हो, ये रुद्रनाथ का मेल काफ है भाई। आज ये भी 4 दिन की ब्याई होगी है, छोड़ दे बादी उतारी हुई है थोड़ी सी, सर्दी के टाइम में बादी उतारते हैं भाई पशु। इधर अपना बछड़ा रुद्रनाथ का बेटा, रुद्रनाथ सरस्वती गोमती
और ये थार पारकर शंभू, शंभू इसका नाम करण हमने किया है भाई, शंभू शंभूनाथ। आने वाले टाइम में ये भी भाई बहुत ही ज़बरदस्त नंदी बनेगा, इसको भी तैयार कर रहे हैं धीरे धीरे। शंभू 15 महीने का हो गया है। और अपनी काशी, काशी काशी का भी नीचे से जो डेवलपमेंट स्टार्ट है अड्र का, वो भी लाजवाब काबिले तारीफ है। और आगे की तरफ से आपको मैं दिखा दूं, ये जो अभी सतमासे में जो आगे की तरफ अड्र बढ़ने लग रहा है इसका, उससे मेरे को बहुत बढ़िया अभी उम्मीद की किरण जाग जाती है एक अंदर पशुपालक को भी, हाँ बछड़ी कुछ करके दिखाएगी। ये देखें भाई 7 महीने की हो गई है काशी भी, 2-2.5 महीने और वेट करना है अभी। और दूध निकलने के बाद अपनी जो लाखी गो माता अपनी शम्मा, इसका आर्डर ऐसा हो जाता है जैसे ये ब्याही हुई है ही नहीं। तो भाई सारे भाई यों का आशीर्वाद की ज़रूरत होती है इस टाइम पे, भी एक नया रिकॉर्ड करें, हमारे हरियाणा ब्रीड का नाम हो। हरियाणा ब्रीड किसी से कम नहीं है दूध देने के मामले में। और एक गौ माता भी, इसका भी अच्छा, अब की बार मेरे को और बढ़िया दूध की उम्मीद है। तो कैसी लगी भाई गौ माता अपनी लाखी श्यामा का दूध, और एक और ये श्यामा गौ माता, कमेंट करके ज़रूर बताना सारे भाई। राम राम, नमस्कार सभी दोस्तों को।